Guys, there are two आर टू inventories. जब हम एक inventory की को को ट्रेड में ला रहे होते हैं या जब एक inventory हम खुद से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो दो तरह की प्रोडक्ट्स होती है पहली प्रोडक्ट्स होती हैं जो इंटरचेंजेबल नहीं है नॉट In इंटरचेंजेबल का मतलब है नॉन आइडेंटिकल वो एक जैसी नहीं है मुझे बताओ यार कि अगर ये दो प्रोडक्ट्स हैं और वो एक जैसी नहीं है तो उनमें कन्फ्यूजन आएगी आपको कोई भी तो आंसर है नहीं नॉन आइडेंटिकल गुड्स हैं इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है यानी आपको पता है कि यार ये कौन सी गुड्स हैं वो कौन सी गुड्स हैं ऐसा नहीं है कि अगर दो एक जगह रखेंगे तो मिक्स हो जाएंगे सर एग्जाम्पल दें सर सर मैं ट्रेड ट्रेड करता हूँ मैंने एक जनरेटर खरीदा बेचने के लिए और मैंने क्या खरीदा एक बाइक खरीदा बेचने के लिए अब मैंने बाइक भी खरीदा हुआ है और मैंने जनरेटर भी खरीदा हुआ है क्या ये आइडेंटिकल गुड्स है आंसर है नहीं सर ये नॉन आइडेंटिकल गुड्स है तो अब मुझे जनरेटर की कॉस्ट को जनरेटर की कॉस्ट पर एलोकेट करना चाहिए टीवी बाइक डिफरेंट जो आइटम्स है उनकी कॉस्ट को उनके ऊपर एलोकेट करना चाहिए तो यानी कि कोई कंफ्यूजन वाली कहानी नहीं है सो तो जब आइडेंटिकल गुड्स नहीं होती मींस नॉन आइडेंटिकल है नॉट इंटरचेंजेबल है तो हम स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ दैट गुड्स ले लेते हैं

डीएचए और बहरिया के घर जो आप बना रहे हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने की बात आएगी तो हम कहेंगे यार घर पे कितने पैसे लगे तो स्पेसिफिक हाँ, गुड्स तो होती है ना उनकी जो स्पेसिफिक कॉस्ट उनकी होती है आप वो ले लेते हैं ओके okay? सर जो इंटरचेंजेबल है, है एक जैसी है तो सपोज करो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन लैपटॉप्स बनाती है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ने पचास लैपटॉप्स बना दिए अब अगर ये पचास पड़े हो तो ये इंटरचेंजेबल आप ये नहीं कह सकते देखो यार ये सेपरेट है ये सेपरेट है ये सेपरेट है आप लोगों ने पेन्स बना दिए ये लैपटॉप का पेन बना दिए है ये, ये जो पेन्स हैं आप लोगों ने थाउजेंड्स में बना दिए अब ये थाउजेंड्स पेन्स हैं मिक्स हुए पड़े हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे हम इनको कहेंगे यार ये आइडेंटिकल पेन्स हैं सारे के सारे जब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो फिर स्पेसिफिक कॉस्ट पता नहीं चल सकती अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं पता चल सकती Suppose करते हैं पहला जो पेन का बैच बनाया मैंने थाउजेंड का वो मुझे है पेन्स का, और मैंने पेन्स है, तो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो टेन रुपीज है अगला बैच जो मैंने बनाया उसमें बिजली के बिल बढ़ चुके थे तो जो टोटल कॉस्ट आई वो फिफ्टीन थाउजेंड थी और उस बैच में दोबारा वन थाउजेंड बनाए अब इनकी कॉस्ट फिफ्टीन रुपीज है अब मुझे प्रॉब्लम ये है कि जब ये टू थाउजेंड पेन्स कट्ठे बड़े हुए हैं तो मुझे नहीं पता चल रहा है दस वाले कौन से हैं और पंद्रह वाले कौन से हैं सुन समझ है बात अब मुझे नहीं पता चल रहा तो जब मुझे नहीं पता चल रहा क्योंकि गुड्स जो हैं, वो है वो इंटरचेंजेबल है आइडेंटिकल है तो फिर मैं कहूंगा यार कि मुझे कोई एक फॉर्मूला चूज करना पड़ेगा एंड देर आर टू फॉर्मूलाज जो आप चूज कर सकते हैं या तो आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे चले जाएं आपके यार पहले दस वाले बने थे तो जो बिक गए हैं वो दस वाले बिक गए हैं और जो बाद वाले पड़े हुए हैं वो अभी भी स्टॉक में है तो स्टॉक कैलकुलेट करते वक्त आप यहां से उठाएंगे यानी जो लेटर गुड्स हैं वो आपके स्टॉक में है first in, first का मतलब है जो पहले आई थी जो पहले बनी थी वो बिक भी पहले गई है तो यार तो पहले वाली तो बिक गई है तो इन्वेंट्री जब मैं फाइंड कर रहा हूँ तो मैं लेटर वाली कॉस्ट में से निकाल रहा हूँ या पहले वाली कॉस्ट में से वाली कॉस्ट में से यानी कि अगर मुझे बताया उन्होंने कि जी पहले पे पे आई थी फिर पहले वाली तो बिग गई होंगी दूसरे वाली भी बिग गई तीसरे वाली भी आखिरी वाली बड़ी हुई है सर अगर अठारह वाली हजार यूनिट थी हमने भाई और बाकी तो बाकी पंद्रह हजार से उठा लो पंद्रह वाली से उठा लो मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं सर सर मजा नहीं आ रहा सर प्लीज समझाए अभी समझा देते हैं आपको सर सपोज करें आपने टू थाउजेंड यूनिट्स ली टू हंड्रेड यूनिट्स ली और उनकी कॉस्ट थी फाइव हंड्रेड फिफ्टी ये कॉस्ट पर यूनिट थी एंज फिर आप लोगों ने की ये बात किया बाई किया फर्स्ट जैन पे फिर आपने फर्स्ट मार्च पे बाई किए कितनी बाई की है फर्स्ट मार्च पे थ्री हंड्रेड यूनिट्स और उनकी कॉस्ट थोड़ी एक्सपेंसिव हो गई थी तो ये फिफ्टी फाइव ओके फर्स्ट अक्टूबर पे फिर आपने बाई की फाइव हंड्रेड नहीं फोर हंड्रेड यूनिट्स और ये कॉस्ट फिर बढ़ चुकी थी और ये होगी थी फिफ्टी सिक्स और फिर, फिर फर्स्ट नवम्बर पे आपने था हंड्रेड यूनिट बाई की हैं और कॉस्ट थी सिक्सटी की अब वो मुझे कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा हुआ है भाई जान जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास आइडेंटिकल गुड्स है और वो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है जी वन फिफ्टी यूनिट अब वो मुझे कह रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कॉस्ट निकाल दो फाइफो इज द मैथड एंड वी नीड कॉस्ट अब मेरे भाइयों क्या आप मतलब क्या है अगर क्लोजिंग स्टॉक ये वन फिफ्टी पड़ा हुआ है तो बिक कितनी के ही है? भाई जान ये जितनी भी ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज की थी इसमें से वन फिफ्टी पड़ी हुई है बाकी सब बिक गई है तो आई नीड टू नो कि इन्वेंट्री कितने की है तो आइडेंटिकल गुड्स थी उन्होंने कहा जी फर्स्ट फर्स्ट इन आउट लगा सकते हैं आप या दूसरा वेटेड एवरेज है वो लगा सकते हैं तो हमें कहा गया फाइफो लगाए तो हमने क्या करना है मेरे बच्चों कौन सी इन्वेंट्री पड़ी हुई है लेटर वाली ये लास्ट वाली हंड्रेड यूनिट्स पड़ी हुई है तो क्लोजिंग स्टॉक जो आपका पास आएगा दैट वुड बी क्लोजिंग स्टॉक कह लें क्लोजिंग इन्वेंट्री कह लें तो ये ड्रेड यूनिट्स तो इसमें से लास्ट वाली सिक्सटी वाली हमारे पास पड़ी हुई है जो पहले आई वो पहले बिक गई आखिरी वाली पड़ी हुई है हमारे पास तो ये बन गई यार ये ओके अब मेरे पास तो यूनिट्स हैं लेकिन मैंने अभी तक उठाई है हंड्रेड तो बाकी पचास इसमें से पड़ी होंगी यार तो बाकी पचास जो पड़ी हुई है वो छप्पन की गुड्स वाली पड़ी हुई है तो ये अमाउंट आ जाएगी आई बिलीव फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय 50 2800 की ये पड़ी हुई है तो क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट आएगी दैट वुड बी जी सर कितनी अमाउंट आ रही है 8800 80, तो ये कॉस्ट है जी इस तरह हम लोग फाइव फॉर लगाते हैं एवरेज इजी था एवरेज ये है मेरे भाइयों कि आप लोग क्या करें इन सब का टोटल ले लें इसकी टोटल देखें एक्सक्यूज <coughs> मी 250 तो सर ये अगर हम और करें तो ये अमाउंट आ रही है जी थाउजेंडी हंड्रेड इंटू फिफ्टी फाइव करेंगे हम लोग थ्री हंड्रेड इंटू फिफ्टी फाइव करेंगे हम लोग थ्री हंड्रेड इंटू फिफ्टी फाइव तो ये अमाउंट आ रही है हमारे पास सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के लें फिर अगर हम बात करें तो फोर हंड्रेड हमारे पास पड़ी हुई है गुड्स जो खरीदी थी हमने फिफ्टी सिक्स के ऊपर तो वो अमाउंट आ रही है ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सर और हंड्रेड यू सिक्सटी सिक्स के पास इंफॉर्मेशन थी अब हमने करना क्या है इन सब का टोटल करके एक एवरेज निकाल लेते हैं तो सिक्स थाउजेंड प्लस डबल टू फोर डबल जीरो प्लस सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस टेन थाउजेंड तो ये अमाउंट आ गई है यार बच्चों की की आपने चीजें वैल्यूज देख लेना अगर कोई कैलकुलेशन में हुई तो। देखें कितनी पड़ी हुई है तो टू हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड थाउजेंड इन्वेंट्री थी तो वेटेड एवरेज वाले कहते हैं यार एवरेज ले लो और एवरेज पे इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो अगर ये सेम क्वेश्चन मैं वेटेड एवरेज पे अप्लाई करूं वेटेड एवरेज मेथड पे कैलकुलेट करूं इन्वेंट्री तो वो कहते हैं यार सारी की सारी एक पचास जो यूनिट्स पड़ी हुई हैं वो अमाउंट कितने पे पड़ी हुई है सर प्लीज देखिए जरा एक पचास कितने पे पड़ी हुई है तो वो लोग कहते हैं यार एक पचास जो यूनिट्स हैं वो एवरेज पे पड़ी हुई हैं और एवरेज जो कॉस्ट आ रही है फिफ्टी फोर थाउजेंड नाइन डिवाइडेड बाय 1,000 ये अमाउंट आ रही है फिफ्टी तो जी फिफ्टी ये ले जी ये अमाउंट आ रही है वन फिफ्टी यूनिट्स हमारे पास हैं मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी फोर पॉइंट नाइन तो ये अमाउंट आ रही है जी एट टू थ्री फाइव ये इन्वेंट्री की वेटेड एवरेज अमाउंट है तो इस तरह गाइस हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो याद रखो नॉट इंटरचेंजेबल होगी तो क्या करना है आप लोगों ने जब नॉट इंटरचेंजेबल हो तो स्पेसिफिक कॉस्ट उठा लेनी ले है उसी यूनिट की कॉस्ट उठा लेनी है लेकिन जब इंटरचेंजेबल गुड्स होंगे तो आपको या वेटेड एवरेज फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला लगाना पड़ेगा इसमें एक एमसीक्यूज ये भी आ जाता है कि कौन सा कॉस्ट फार्मूला है जो कि अब अलाउ नहीं करता आई एस टू तो सर सो नो लॉन्गर अलाउड जो मैथड इज नो लॉन्गर अवेलेबल नाउ दैट इज लाइफ लाइफो फार्मूला इज नो लॉन्गर अवेलेबल ये बात एक इंपॉर्टेंट बात है इस पे अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि वो आपको कहेगा देरा थ्री फाइफो, और लाइफो, और वो आपको कहेगा भाई जान सिर्फ और सिर्फ ये बता दे कि कौन सा मैथड अलाउड नहीं है तो आपको लाइफो पिक करना है लास्ट इन फर्स्ट आउट फिजूल सा मैथड था तो उन्होंने कभी खत्म करें अब एक क्वेश्चन जो कि थोरेटिकल एमसीक्यूज बन सकता है दैट इज कि क्या एक कंपनी दो फॉर्मूलाज लगा सकती है यानी कि फाइफो लगा ले कुछ इन्वेंट्री पे और कुछ पे वेटेड एवरेज तो कहता है यार अगर तो उनके करेक्टरिस्टिक सेम है तो फिर तो एक ही फॉर्मूला लगाओ लेकिन अगर डिफरेंट है तो देन दे कैन यूज फॉर वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे कैन यूज वेटेड एवरेज एंड फॉर अदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट दे कैन यूज फाइफो तो ये yes, एक ऑर्गेनाइजेशन एट अ टाइम दो मेथड भी लगा सकती है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज जिनके करेक्टरिस्टिक्स इंटायरली डिफरेंट होते हैं ये थे गॉस्ट फॉर्मुलाज आइडिया होना चाहिए ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कराएगा -एफ को की इस लेवल पे लेकिन बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि देर आर मैथड जो कि आपने फॉलो करने होते हैं थैंक यू सो मच गाइज स्टे अल्लाह हाफिज